हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चा बाड़ी आप सब? और क्या हाल चाल हैं आपके? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा बाड़ी, आइए जी आइए, पधारिए जी पधारिए, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ, आओ बेटे, धनिया आओ, आज बिकेगी सारी धनिया। एलो जी एलो, एलो एलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुडी वाली इवनिंग। चलिए जी, कोई दूर वूर नहीं बैठा हूं जी, मैं सब मोह माया है। तो भैया 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 भैया, शुरू करते हैं कहानी। कहाँ से शुरू करते हैं जी कहानी? शुरू करते हैं कहानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है? देखो जी बच्चों, अरे यार इंडिया की तो बात ही मत करो, क्या ही चल रहा है, बड़ी ही बुरी हालत है। देखो बच्चों, ये जितनी भी ऑडिट आप पढ़ोगे, अरे पेन लाना पड़ेगा, एक मिनट रुको, आपने कहाँ देख लिया देव, देख के डिलीट भी कर दिया। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर होटल हॉस्पिटल, धीरे धीरे करके सब की बात करेंगे, ठीक है? देखो ऑडिट को ना पांच पार्ट में बांटा गया है। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, वो भी पांच पार्ट में मिलेगा: जनरल, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है? अगर जनरल बात करें तो सबसे पहले अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट कर रहे हैं तो भैया सबसे पहले दो तीन चीजें चेक कर लीजिए। जनरल मतलब प्लानिंग पार्ट के अंदर, अगर कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होगा तो मेमोरेंडम आर्टिकल चेक कर लो, अगर ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है ट्रस्ट डीड चेक कर लो, ठीक है? अगर पार्टनरशिप के तौर पे है तो पार्टनरशिप डीड चेक कर लो, साथ में मिनट्स बुक अगर बनाई गई है तो मिनट्स बुक चेक करिए। ये जनरल है, जनरल मतलब प्लानिंग का, इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ट्रस्ट डीड चेक कर सकते हैं बच्चा बाड़ी, साथ में चेक कर सकते हैं मिनट्स वगैरह मीटिंग के, ठीक है? स्टूडेंट्स पर जो पैसा आएगा उसमें क्या चेक करेंगे? स्टूडेंट से जो पैसा आएगा, ठीक है, स्टूडेंट से जो पैसा आएगा उसमें क्या चेक करेंगे? चेक करिए फीस जो आई है, आपने उसकी रसीद स्टूडेंट को दी होगी, काउंटर फॉइल आपके पास होगी, कॉपी, रसीद की कॉपी, स्टूडेंट का रजिस्टर चेक करिए। अगर फीस बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग है तो रीजनेबल स्टेप लिए गए हैं या नहीं रिकवरी के लिए, तीसरी बात, ठीक है ना? अगर फीस इररिकवरेबल है तो मतलब स्टूडेंट छोड़ के चला गया, बीच में पापा का ट्रांसफर हो गया, इररिकवरेबल लगता है फीस आएगी नहीं, तो उसे राइट ऑफ करेंगे विद ऑथराइजेशन। एडमिशन फीस वगैरह आई है तो प्रिंसिपल वगैरह से ऑथराइज कराएंगे, फाइन वगैरह अगर लगा है तो फाइन वगैरह आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है।
क्या क्या चेक करना है देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट फीस रजिस्टर देखिए, उससे मिलाइए, रसीद आपका स्टूडेंट ले जा चुका है, आप काउंटर फॉइल देखिए रसीद की, ठीक है ना। साथ में जो पैसा आपको लग रहा है नहीं आ सकता, इररिकवरेबल, उसे राइट ऑफ करिए, और राइट ऑफ करेंगे तो ऑथराइजेशन के साथ राइट ऑफ करेंगे। एडमिशन स्लिप वगैरह में प्रिंसिपल वगैरह के साइन होने चाहिए, ठीक है ना। साथ में अगर किसी फीस में डिस्काउंट वगैरह दिया है, कंसेशन वगैरह, तो वो कंसेशन या डिस्काउंट ऑथराइज होना चाहिए। फाइन वगैरह अगर लगाया है तो फाइन को रिकवर भी किया होगा, या तो कई बार ऐसा होता है फाइन रिकवर कर लेते हैं, कई बार चलो माफ कर दिया, रेमिट मतलब छोड़ दिया होगा, ठीक है ना। साथ में कई बार ऐसा होता है बच्चे कि ना, हम एडमिशन फीस में कुछ कॉशन फीस होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब बच्चे का कोर्स वोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना पैसा वापस ले जाता है, ठीक है ना। तो वो कॉशन मनी है, सिक्योरिटी मनी, कायदे से वो रिसीट्स नहीं है, वो लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी साइड में आनी चाहिए। तो अगर अगर आपने कोई ऐसी फीस ली है जो आपको कल को रिफंड करनी पड़ेगी, तो आप उसे लायबिलिटी के तौर पे दिखाएंगे, कॉशन मनी को, ठीक है ना, उसे उसे रेवेन्यू में ट्रांसफर ना करें आप, सलाह तो यही है, ठीक है। ठीक है, वही बात दी हुई है कि अगर कॉशन मनी वगैरह है तो रिफंड वगैरह कर देंगे आप। तो कुल मिला के फीस में 7 बातें हैं, फीस का रजिस्टर चेक करिए, रसीद की कॉपी चेक करिए, रिकवरेबल तो राइट ऑफ करिए, एडमिशन स्लिप को साइन करेंगे और कंसेशन वगैरह को वेव ऑफ कर देंगे, साथ में फाइन्स वगैरह रिकवर किए गए होंगे, और अगर एडमिशन फीस वगैरह रिफंडेबल है तो रिफंड करेंगे, और साथ में रिफंडेबल है तो रिसीट्स इनकम थोड़ी है आपकी, वो तो लायबिलिटी है ना, लिया तो देर समय तो देना ही है जो बच्चा छोड़ के जाएगा। तो और कहां से पैसा आ सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास, और पैसा आ सकता है भैया रेंट से, अपनी क्लासें अपने हॉल वगैरह रेंट पे दे सकते हैं, ग्रांट और डोनेशन मिल सकती है, और कहां से पैसा आ सकता है, रेंटल, ग्रांट, डोनेशन, और हो सकता है कॉलेज ने, स्कूल ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई FD कराई हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और ग्रांट वगैरह, ठीक है, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भैया। अच्छा, एक्सपेंडिचर में क्या चेक करेंगे, अगर डोनेशन पर्टिकुलर पर्पस के लिए आई थी तो क्या पर्टिकुलर पर्पस में इस्तेमाल हुई है या नहीं। कोई भी बड़ा खर्चा अगर किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पहली बात तो उसे कैपिटलाइज करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऑथराइज्ड होना जरूरी है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता ना सर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, कि वहां पे वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। और कोई भी आपको लगता है बेबुनियाद अनड्यूली हैवी खर्चा किया है जिसकी जरूरत नहीं थी, तो वो आप बताएंगे, कमिटी के नॉलेज में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई, सबसे पहली बात, डोनेशन वगैरह उस जगह आपने खर्च की है जिसके लिए, पर्पस के लिए लाई थी। अगर कोई बड़ा खर्चा किया है तो वो सैंक्शन होना चाहिए। कोई भी खर्चा जो बड़ा है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं था, वो अगर कोई अनड्यूली खर्चा किया है तो वो आप कमिटी को बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट हुआ है, सिंपल सा पॉइंट है, बच्चा वाड़ी मिनट कमिटी ने उसे ऑथराइज किया होगा, ठीक है, इट मस्ट बी ऑथराइज बाय द कमिटी, सेंक्शन बाय द कमिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एसेट लाइबिलिटी में और क्या चेक करें भाई। अगर स्कूल कॉलेज के पास इन्वेंट्री पड़ी है, चाहे स्टेशनरी की इन्वेंट्री हो, कई बार बैग देते हैं स्कूल, कई बार किताबें देते हैं, अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री चेक करिए, इन्वेंट्री रजिस्टर के साथ इंस्पेक्शन कर सकते हैं आप इन्वेंट्री वगैरह का, कोई पड़ा हुआ है, क्लोथिंग है, बैग है, किताबें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा पार्टी। इन्वेंट्री को लेकर ना दो बातें दी गई है, एक तो इन्वेंट्री रजिस्टर चेक करो, और दूसरी बात जो भी इन्वेंट्री है उसका इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और इन्वेस्टमेंट्स चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स तो आपको पता ही है, FD होगा, कोई शेयर में पैसा लगाया है, कोई डिवेंचर में पैसा लगाया है, वो सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। बहुत मक्खन है यार ये टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया भैया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब आते हैं जरा हॉस्पिटल पे। देखो, हॉस्पिटल में ना मैं अलग अलग तरीके से बांटता हूं,
यहां तक आ गया रिसीट्स, ये आ गया पेमेंट, ये आ गया एसेट लाइबिलिटी। बढ़िया एकदम, ठीक है। रिसीट में तीन पॉइंट कौन कौन से बच्चा बाड़ी? चार पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कौन सा? सबसे पहला पॉइंट है रजिस्टर ऑफ पेशेंट। चेक करिए पेशेंट के रजिस्टर को ना, जो भी आपने पेशेंट को बिल दिया है उसकी कॉपी आपके पास होगी हॉस्पिटल के पास। पेशेंट का रजिस्टर, उस बिल की कॉपी और कैश बुक पासबुक, तीनों को एक साथ रख के रिकनसाइल करिए। अगर पेशेंट 3 दिन रुका है पेशेंट रजिस्टर के अंदर, तो 3 दिन का देख लो इनवॉइस, 3 दिन का ही बनाया है। और जितना इनवॉइस बना है, मान लो 60,000 का इनवॉइस है, तो 60,000 रुपये खाते में आया है या नहीं, या तो कैश बुक में एंट्री होगी या पासबुक में। तीन चीज़ें आपको मिलानी है। तीन चीज़ें कैसे मिलानी है? एक तो रजिस्टर ऑफ पेशेंट, दूसरा बिल की कॉपी, और तीसरा कैश बुक या पासबुक को रिकनसाइल कर लो आपकी रसीद और काउंटर फॉइल के साथ। तो ये तीनों चीज़ अपने सामने रखिए, रजिस्टर ऑफ पेशेंट, कॉपीज ऑफ बिल और कैश बुक, और तीनों को आराम से रिकनसाइल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात और क्या चेक कर सकते हैं इनकम में? इनकम में वही यार, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कॉमन आ गया, ठीक है। सारे पैसे वैसे आए हैं यानी, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर वगैरह चेक कर लो। डोनेशन जो आपको मिली है, वो डोनेशन उसी जगह खर्च की गई होगी जिस पर्पस के लिए आपको दी है। तो कहीं ना कहीं ये तो पेमेंट का पॉइंट हो गया, ठीक है ना। डोनेशन उसी जगह खर्च की है, अप्लाइड इन द मैनर जिसके लिए एग्री हुआ था। तो आइडियली अगर आप देखें ना, तो हॉस्पिटल में रिसीट के तीन ही पॉइंट है। तीन पॉइंट कौन से बच्चे? पहला पॉइंट रजिस्टर ऑफ पेशेंट, दूसरा है कलेक्शन ऑफ कैश। तीनों को रिकनसाइल कर लो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आते हैं जरा भैया पेमेंट पे। पेमेंट में क्या क्या है? पहली बात, डोनेशन को उसी जगह खर्च किया होगा जिसके लिए लाए हो आप पैसा। कोई भी कॉमन पॉइंट आ गया वापस से, कोई भी कॉमन पॉइंट। अरे कौन मिल गया आपको लक्ष्मी नगर में? कौन से ग्रुप में भेजा है आपने? भेजा मेरे को इंस्टा पे। पढ़ाने नहीं दे रहे नलायक, आपको स्पॉट किया गया था। अरे वो एक अनअकैडमी सेंटर खुल रहा है ना सर, नहीं आए क्या अभी तक? श्वेता क्या हो गया? ऑल वेल, सब ठीक है ना? चलिए, पता नहीं कौन पढ़ा रहा, सर तो आए नहीं। चलो, भूत पढ़ा रहा है। हाँ बेटे, अब तो भूत ही लगूंगा, सर दिख नहीं रहे थे इसीलिए बोला। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। सेम कॉमन पॉइंट है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया गया है ना, वो अगेन ऑथराइज्ड होना चाहिए। कोई भी पैसा ग्रांट का आपको मिला है उसकी अकाउंटिंग करोगे, और एक्सपेंडिचर में कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हैं उसे बजटेड के साथ मिला लीजिए। वो खर्चा बजट के साथ मैच कर रहा है नहीं? अगर नहीं मैच कर रहा है तो मैनेजिंग कमेटी को बताइए, रिपोर्ट टू द मैनेजिंग कमेटी। अब ध्यान ध्यान से आप देखो, तीन पॉइंट हो गए आपके पेमेंट में। डोनेशन को खर्च किया गया उसी पर्पस के लिए इसके लिए लाए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑथराइज होना चाहिए, और तीसरी बात, जो खर्चा आपने किया है वो बजट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर बजट के साथ मैच नहीं करता तो रिपोर्ट करिए, ठीक है भाई। तो कुल मिला के हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले कई बार में इंपॉर्टेंट, मतलब पिछले कुछ टाइम में हॉस्पिटल कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो तीन पॉइंट रिसीट के हो गए, तीन पॉइंट बच्चे पेमेंट के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा एसेट्स की। देखो भैया,
सिंपल सी बात बताता हूं आपको, एसेट होगी इन्वेंट्री, पीपीई और इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे इन्वेंट्री के लिए ना आप इन्वेंट्री रजिस्टर चेक करिए और इंटरनल चेक, इंटरनल चेक देखिए है या नहीं। इंटरनल चेक का मतलब है एक एम्प्लॉय का वर्क दूसरा एम्प्लॉय चेक कर रहा है या नहीं, ये एसेट में पहला पॉइंट। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, शेयर सर्टिफिकेट होंगे, एफडी सर्टिफिकेट्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, उन्हें फिजिकली चेक कर लो, ठीक है ना। ये एसेट का सेकंड पॉइंट। पीपी में कह रहे हैं सिंपल सा पॉइंट है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा एप्रोप्रिएट रेट्स पे, ये एसेट में तीसरा पॉइंट। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री रजिस्टर चेक करिए, इंटरनल चेक का सिस्टम होना चाहिए इन्वेंट्री को लेकर, रिसीट इशू को लेकर, डेप्रिसिएशन द प्रॉपर रेट, और तीसरा है भैया जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके डिवेंचर्स हैं, आपके शेयर सर्टिफिकेट, उनको फिजिकली चेक करिए, ठीक है ना। इन्वेंट्री में देखो एक पॉइंट तो इंटरनल चेक का था, इन्वेंट्री में एक पॉइंट इन्वेंट्री रजिस्टर का हो गया, और इन्वेंट्री में एक पॉइंट हो गया भैया फिजिकल वेरिफिकेशन का, ठीक है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन का, और एक वैल्यूएशन का, वैल्यू वगैरह प्रॉपर है या नहीं। मतलब अगर हॉस्पिटल में आपसे पूछता है, मेरी एक बात ध्यान रखना, तो इन्वेंट्री के बढ़िया चार पॉइंट लिख सकते हो हॉस्पिटल में, कौन कौन से, एक तो इंटरनल चेक, एक इन्वेंट्री रजिस्टर, दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन, और चौथा आएगा वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं इन्वेंट्री की, ठीक है ना। एक बात आपको और बता दो, इन्वेंट्री का मेन डिस्कशन पता है कहां दिया है, होटल में। होटल से ना इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है इन्वेंट्री का, इंडिविजुअल। अगर आप होटल पढ़ेंगे ना तो इन्वेंट्री के बारे में इतना कुछ दिया है, टॉपिक वाइज कई किसी किसी टॉपिक में कुछ कुछ किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। ये होटल है जैसे मान लो, ठीक है, आप होटल की ऑडिट पढ़ोगे ना तो होटल में इन्वेंट्री को लेकर भाई साहब भरा पड़ा है। क्या कह रहा है, देखो कह रहे हैं इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, मैं आपको सिंपल बताता हूं। फूड आएगा, ड्रिंक्स वगैरह आएंगी, जो इन्वेंट्री आ रही है जो जा रही है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। जहां इन्वेंट्री रखी है उसे लॉक करिए और चाबी दीजिए डिपार्टमेंटल मैनेजर को, किसी ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस दें, किसी और को एक्सेस ना मिले वहां पे। जनरली होटल वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं वैल्यूएशन करने के लिए, अगर वैल्यूअर को अपॉइंट किया गया तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन देख ले वैल्यूअर ठीक आदमी है या नहीं, और फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इन्वेंट्री रजिस्टर चेक कर सकते हैं। मतलब कह रहा है सबसे पहली बात, फूड और बेवरेज आ गया इन्वेंट्री में, चेक क्या क्या करें, जितना भी इन्वेंट्री आई है और गई है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इन्वेंट्री रजिस्टर में एंट्री करेंगे, रजिस्टर के अंदर जो भी जहां भी इन्वेंट्री रखी है वो एक जगह लॉक होनी चाहिए, की जो है डिपार्टमेंटल मैनेजर को मिलेगी, वो की ट्रस्टेड आदमी को ही दोगे आप, अनऑथराइज पर्सन को परमिट नहीं करोगे। बहुत सारे होटल स्पेशलाइज वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप ये देखिए वैल्यूअर इंडिपेंडेंट है या नहीं, और आप देख लें जो वैल्यू है वो सही होनी चाहिए, रीजनेबल, ठीक है। साथ में जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करिए। तो कुल मिला के अगर होटल में इन्वेंट्री पूछे ना बच्चे, तो होटल में इन्वेंट्री में पहला पॉइंट बताना कि भाई इन्वेंट्री दो टाइप की होती है, फिर आना और जाना डॉक्यूमेंट किया गया है। इन्वेंट्री जहां बहुत ज्यादा रखी है उसे लॉक करिए, चाबी डिपार्टमेंटल मैनेजर को ही दीजिए और किसी को चाबी मत दीजिए, और जनरली वैल्यूअर से पॉइंट होते हैं तो फिर वहां पे आप देख लें वैल्यूअर इंडिपेंडेंट है, और जो दाम जो प्राइस दिया गया जो वैल्यू दी गई वो रीजनेबल होनी चाहिए, और साथ में अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो उसे अटेंड करिए आप, ठीक है ना। होता क्या है बच्चे, होटल में ना मेन पैसा आता है रूम सेल्स से। रूम सेल्स में क्या क्या चेक करोगे, एक तो गेस्ट रजिस्टर चेक कर लो, कितना गेस्ट आया कितना गया, स्टैंडर्ड टैरिफ कितना है भैया, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 होटल का दिन का है फेयर, कितना स्टैंडर्ड टैरिफ है, कितना चार्ज किया गया है, 10,000 मान लो एक दिन का है, ठीक है, चार्ज कर रहे हैं 7,000 रुपए, 7,000, 3,000 रुपए का फर्क है, पूछोगे ना मैनेजमेंट से क्यों दिया डिस्काउंट, और अगर दिया है तो ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए। हर होटल ना
एक डेली रिपोर्ट बनाता है, कितने कमरे चढ़े कितने खाली हैं, वो डेली रिपोर्ट चेक करिए, उससे पता लग जाएगा कि कमरों के हिसाब से अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं। भाई जितने कमरे चढ़े होंगे मल्टीप्लाई बाय टैरिफ करेंगे, उतनी आपकी डेली डेली की रेवेन्यू हो गई। तीन चीजें मेजर चेक करनी है, एक तो गेस्ट रजिस्टर चेक करना है मेरे बच्चे, दूसरी बात जितना रेट स्टैंडर्ड रूम रेट है और जितना चार्ज किया है, अगर दोनों में कोई भी फर्क है तो भैया आप उसे देखो, पकड़ो और आप देखो वो ऑथराइज है ना। डिस्काउंट तो हर होटल देता है यार, बस ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में डेली रिपोर्ट बनती है कितने रूम चढ़े हैं, उस डेली रिपोर्ट से आप देख सकते हैं भाई कि कितने रूम चढ़े हैं और कितना टैरिफ है, उससे आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी डेली वो है क्या कहते हैं रेवेन्यू। तो जो आपकी डेली रिपोर्ट होगी ना, डेली रिपोर्ट को सामने रखना गेस्ट रजिस्टर के सामने और गेस्ट बिल के सामने और रिकनसाइल कर लेना। डेली रिपोर्ट एक तरफ रखो, गेस्ट का बिल और गेस्ट का रजिस्टर तीनों को एक साथ रखो और रिकनसाइल कर लो, तो पता लग जाएगा सब चीजें मैच कर रही हैं या नहीं। पता चला 25 25 में बोले 22 कमरे चढ़े हुए हैं और टैरिफ है 6,000 रुपये, नॉर्मली मिनिमम टैरिफ चार्ज करते हैं, तो 22 22 कमरे मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 110 132 1,32,000 हो गया। ऊपर रेवेन्यू दिखाया हुआ 90,000 रुपये, तो रिकनसाइल नहीं हो पा रहे ना भैया, 42,000 रुपये कहाँ डाला आपने, पूछोगे ना आप बिग ऑडिटर। ठीक है चलिए आगे बढ़े बच्चा बाड़ी। हाँ एक बात और, क्या होता है बच्चे जब हम रूम सेल्स की बात करते हैं, सही बात, मेक माय ट्रिप यात्रा इन सबसे बुकिंग होती है ज्यादातर, ये अपनी कमीशन रखते हैं, होटल को अपनी कमीशन काट के दे देते हैं। मान लो एक होटल बुक हो 10,000 में, मेक माई ट्रिप की कमीशन है 25%, तो 2,500 अपने पास रखेगा, 7,500 आपको दे देगा, तुरंत नहीं देता, उनकी अपनी पॉलिसी होती है कि मान लो नवंबर की बुकिंग हुई तो नवंबर के जो पैसा है वो 15 दिसंबर तक देंगे, दिसंबर का जो पैसा है वो 15 जनवरी तक देंगे, महीना खत्म होने के लिए 15 दिन में। अगर एजेंट के थ्रू बुकिंग हुई है कि मेक माई ट्रिप हो यात्रा हो कुछ भी हो, ऑडिटर ये बात चेक करेगा कि पैसा आपका टाइम पे आया है या नहीं, ठीक है ना, होटल का एजेंट ने आपको टाइम पे पैसा जमा किया है या नहीं, ठीक है ना। तो इन केस बुकिंग इज थ्रू ट्रेवल एजेंट, तो बच्चे ध्यान रखना जो पैसा है वो रिकवर हो गया होगा एज पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, साथ में कमीशन उतनी ही काटी होगी एजेंट ने जितनी एग्रीमेंट में दी है। अगर मेक माई ट्रिप 25% कह रहा है तो 25% ही लिया होगा, ये आप एक बार रिकम्प्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिकम्प्यूट कर सकते हैं। तो बच्चे एक चीज देख रहे हो आप, कहने को रिसीट्स में 3 पॉइंट दिए हैं यहां पे रूम सेल्स में, लेकिन ये 3 पॉइंट मिला लो और ये वाले 2 पॉइंट ट्रेवल एजेंट वाले, तो कुल मिला के पॉइंट कितने बन गए भैया, 5। तो कल को आपसे पूछे ना भाई, ठीक है, कि रूम सेल्स के पॉइंट लिखो या रिसीट्स के पॉइंट लिखो, तो 5 पॉइंट तो लिख के आने ही है, 3 ये वाले और 2 वो वाले कमीशन वाले, कि पैसा टाइम से आया है मेक माई ट्रिप वगैरह से और जो कमीशन दिए वो एज पर द एग्रीमेंट है या नहीं। ठीक है जी, चलिए एक बात और, होटल में ना इंटरनल कंट्रोल बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सटर्नल एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। अब होटल के केस में ऑडिट कर रहे हो, अब आप चले गए भैया वाइन शॉप में, भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए, आसपास वाले धक्के मार के ऐसे फेंक दिया आपको उठा के, सब्जी वाले के पास चले गए, यार भैया इस होटल से आया हूँ ऑडिट कर रहा हूँ कि जरा कंफर्मेशन दे दो, बोले भाई ऐसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा कहां पे, इन केस ऑफ होटल। तो होटल में जो है इंटरनल एविडेंस ही है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ ना वो आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है, होटल में एक चीज बहुत कॉमन है, पिल्फरिंग, छोटी मोटी चोरियां। पिल्फरिंग का मतलब होता है छोटी मोटी चोरियां, तो
तो भाई आपको ना देखना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ ना तो दिस विल बी अ सीरियस प्रॉब्लम टू द ऑडिटर। रीजन बीइंग कहीं ना कहीं आपको इंटरनल कंट्रोल पे ही रिलाय करना है यार। अगर इंटरनल कंट्रोल ही वीक हुआ तो भाई साहब आपके आपके ऑडिट प्रोसीजर ही बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादातर होटल्स क्या करते हैं, डेली वीकली मंथली ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं। अगर बनाए हैं तो आप उसे चेक करिए, अगर बनाए हैं तो चेक करिए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई दम नहीं है इंटरनल कंट्रोल में। इंटरनल कंट्रोल आपको देखना है ना अगर, तो सिनेमा हॉल में मिलेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आया था इस बार, ठीक है। अभी पढ़ते हैं सिनेमा हॉल, इसके बाद सिनेमा हॉल में चलेंगे। ये खत्म ही हो गया है होटल। वैसे होटल में एक चीज बाकी है, पेमेंट। पेमेंट बहुत प्यारे पॉइंट्स है। सबसे पहली बात, जो भी बड़ा खर्चा किया गया है, जो भी बड़ा खर्चा, उसे कैपिटलाइज करेंगे। और जो भी टैक्स कलेक्ट किया आपने, जीएसटी वीएसटी जो भी कलेक्शन किया है, वो समय पर सरकार को जमा करेंगे। लो भैया, ये तो लेवल है आपका पेमेंट का। तो आप होटल में एक चीज देख रहे हो, होटल में दम वाला पॉइंट एक इन्वेंटरी है और एक रूम सेल्स है। तो क्वेश्चन अगर बना तो या तो रूम सेल्स से या इन्वेंटरी से। फोन आ रहा है आपका। हाँ, टीचर को मतलब नहीं, बच्चे को पूरा मतलब है। कह रहे हैं हम आपका ध्यान रखते हैं। अब आते हैं, रहिए कहां पे आते हैं भैया, अब आते हैं सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में इंटरनल कंट्रोल मस्त है, मैं आपको बताता हूं, सुनना। सिनेमा हॉल में ना पैसा कहां से आएगा, टिकट बेचकर। टिकट की तीन चार बातें सुन लो, तीन चार बातें, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर टिकट बेची गई है तो एक आध कॉपी तो आपके पास भी होगी, चेक करेगा ऑडिटर। कितनी टिकट बिकी हैं, कितने कितने कितना आपका ऑक्यूपेंसी है, उसकी रिपोर्ट बनती है हर हर शाम। कभी भी आप देखना, जब लास्ट शो होगा उसका कुछ 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 करते रहते हैं, तभी तो निकालते हैं ना। आज आज का कलेक्शन 100 करोड़ हो गया, आज 50 करोड़ हो गया, 80 करोड़ हो गया, वो डेली सेल्स काउंट करते हैं। डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखिए, टिकट की कॉपी वगैरह वो चेक करिए। अगर फ्री पास दिया गया है, देते हैं ना रेडियो मिर्ची वगैरह, इसका आंसर दो तो दो दो टिकट फ्री मिलेंगी, इस क्रेडिट कार्ड में महीने में 4 टिकट फ्री मिलेंगी, ठीक है ना। साथ में अगर इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट किया है तो इंटरटेनमेंट टैक्स का रिटर्न फाइल होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। इंटरटेनमेंट टैक्स अगर आप कलेक्ट करते हैं, सुनते हैं अपन टैक्स फ्री हो गई मूवी, तो टैक्स फ्री का मतलब क्या है, इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता उस पर। अदरवाइज इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, वो जमा करना पड़ता है सरकार के पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टिकट्स देखिए, फ्री पास वगैरह दिया गया तो भैया ऑथराइज होना चाहिए फ्री पास। इंटरटेनमेंट टैक्स अगर कलेक्ट किया है ना बच्चे, तो देखना कि रिटर्न वगैरह फाइल किए गए हैं या नहीं, इनकम टैक्स, ए सॉरी इनकम टैक्स कह रहा हूं, इंटरटेनमेंट टैक्स के। साथ में एक काम आप करो, जब भी आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, कैश बुक के साथ रिकनसाइल कर लो डेली स्टेटमेंट को। सामने स्टेटमेंट रख लिया, सामने कैश बुक रख लिया, कितने की सेल हुई है, कैश बुक या पासबुक में एंट्री होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये देखो, ये मेजर चार पॉइंट है किसके, टिकट के। लेकिन टिकट में एक इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट बहुत दमदार है। इंटरनल कंट्रोल में पॉइंट्स ध्यान रखना, सबसे पहली बात, टिकट की कस्टडी किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास ही होनी चाहिए, ठीक है। एडवांस बुकिंग की सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट्स होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग शो की अलग अलग सीरीज होनी चाहिए, अब चार मूवी लगी है ना, चारों के अलग अलग सीरीज ऑफ टिकट्स होनी चाहिए। एंट्री सिनेमा हॉल में टिकट के थ्रू ही होगी, बिना टिकट के एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। साथ में टिकट जो होगी प्रॉपर नंबर्ड होगी और बाउंड बुक में होगी, ऐसे नहीं कि कोई भी जेब में लेकर टिकट घूम रहा है, टिकट 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 ब्लैक होती थी बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कर्मचारी भी आपका टिकट लूज लेके घूम रहा है, कोई भी घूमकर टिकट बेच रहा है, बाउंड बुक में होनी चाहिए। कभी आपने देखा हो सिनेप्लेक्स में सिंगल स्क्रीन थिएटर में, तो फाड़ के देते हैं वो वहां से टिकट, बाकी आजकल मल्टीप्लेक्स में तो प्रिंटर से निकलती है, वो आपको दे देते हैं टिकट, ठीक है ना।
तो देखिए एंट्री जो है वो सिर्फ एंट्री टिकट के थ्रू होनी चाहिए। टिकट जो है बच्चे आपकी सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए, बाउंड बुक में होनी चाहिए, साथ में अलग अलग शो की अलग 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 सीरीज ऑफ टिकट होनी चाहिए, ठीक है। एडवांस बुकिंग की सेपरेट सीरीज होनी चाहिए, और जो बुक की इन्वेंट्री है ना वो किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे के पास होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हो गए बच्चे इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है। बाकी ये 4 पॉइंट हो गए आपके रिसीट्स में। अगर आपसे पूछे इन केस इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल ही लिखना है। अगर आपसे पूछे टिकट के बारे में, तो फिर अपने को 4 पॉइंट लिखते सबसे इंटरनल कंट्रोल। फिर इंटरनल कंट्रोल में मेरे ख्याल इस बार आया था शायद 22 दिसंबर में इंटरनल कंट्रोल, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आनंद सिनेमा की दे रही थी मुझे रेडियो ने, मूवी तो ठीक ही लगी होगी। सुबह की पहली क्लास थी 8:30 बजे से 10:25, दूसरी क्लास थी 10:30 से 12 बजे, तीसरी क्लास थी 2:30 से 5 बजे, चौथी ले रहा हूं 7:30 से 8:30 बजे, पांचवी लूंगा 9:30 से 10:30 बजे। कल तो और भी ज्यादा है। समाज सेवा जारी है परस्पर। कल सुबह पहली क्लास 8:30 से 10, 10:15 से 12, 12:15 से 2, 4:30 से 5, 4:30 से 6, 7:30 से 8:30। मैं बढ़िया, तनिया आप सुनाओ, मजे आ रहे हैं जीवन के। चलिए मक्खन के माफिक चल रहा है चैप्टर, तो एकदम बटर। 2 F2 F3 बाकी 3 अनअकैडमी में, कल भी, कल एक F2F है, एक सीएम इंटर का D2H चल रहा है मेरे यहां से, तो 3 अन अकेडमी। समाज सेवा भैया पूरी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। खर्चे के नाम पे क्या है भैया, कह रहा है खर्चे के नाम पे देखना ना, रेवेन्यू खर्चे में जो भी आया है भैया वो कैपिटल खर्चा नहीं आना चाहिए और रेवेन्यू कैपिटलाइज नहीं करेंगे। वाओ कितना क्यूट पॉइंट है। एसेट के नाम पे कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा। अरे यार ये पॉइंट दमदार है भाई, मैंने पहले भी कहा था यहां से क्वेश्चन आ सकता है पेमेंट वाला, ये एक पॉइंट दमदार है। बैंक ऑडिट का एमसीक्यू हो गया, ऑटोमेटेड का बचा है। कई बार ऐसा होता है सिंगल स्क्रीन थिएटर में ना, पहले मूवी रिलीज हो रही है, सलमान की शाहरुख की लड़ाई करते थे, मैं लूंगा मेरे यहां रिलीज होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये अप्रोच करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस दिया है करते थे, ले भैया एडवांस 20 लाख रुपए, मेरे स्क्रीन में रिलीज होगी मूवी। अब अगर एडवांस दिया डिस्ट्रीब्यूटर को आपने, सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा कि वो एडवांस जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया डिस्ट्रीब्यूटर सही आदमी है और वो पैसा रिकवरेबल है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुए एग्रीमेंट को चेक करेगा। और अगर अब मूवी चल चुकी है तो जीवन भर तो एडवांस नहीं लिखाओगे ना आप, उस एडवांस को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट हुए तो एग्रीमेंट चेक करिए। अगर 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 आपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दिए हैं तो भैया ध्यान रखिए वो पैसे गुड और रिकवरेबल होने चाहिए, ठीक है ना। साथ में अगर आपको लग रहा है इररिकवरेबल है तो प्रोविजन बनाया गया है, यानी प्रोविजन बनाया गया नहीं। और अगर मूवी चल चुकी है एडवांस पे, जिसके लिए एडवांस दे रहा मूवी है ऑलरेडी भी इन रन, तो भैया पूछो कि एडवांस को एडजस्ट क्यों नहीं किया। तो कुल मिला के 4 पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। एक तो एग्रीमेंट चेक करिए, जो एडवांस दे गुड रिकवरेबल होना चाहिए, अगर गुड रिकवरेबल नहीं तो प्रोविजन क्यों नहीं बनाया गया, और अगर मूवी चल चुकी है ऑलरेडी रन तो भैया एडजस्ट क्यों नहीं किया। जीवन में एडवांस थोड़ी दिखाओगे आपसे। ठीक है सही है और क्या।
ये पॉइंट सही है, मतलब सिनेमा हॉल में एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला पॉइंट पेमेंट का, और एक इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट, यही से क्वेश्चन आए। ठीक है जी, हाँ जी श्वेता जी बताइए, आपको शरीर नजर नहीं आ रहा, आपसे क्या बात करें, 6 फीट का आदमी नजर नहीं आ रहा आपको। चलो जी आओ जी, चैरिटेबल की तरफ चलते हैं, चैरिटेबल एनजीओ, बाकी पहले एनजीओ करते हैं, आओ एनजीओ चैरिटेबल क्लब तीन ही बचे, एनजीओ चैरिटेबल और क्लब। मीछे तुम्हारा छी, सबसे पहले एनजीओ की रिसीप्ट चेक करते हैं, एनजीओ के पास पैसा कहां से आएगा? एनजीओ के पास पैसा आएगा ग्रांट डोनेशन से। मैं आपको सिंपल 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 बताता हूं, तीन बातें, जितनी भी डोनेशन आपको मिली है, जितनी भी एग्रीमेंट चेक करिए डोनर के साथ, ऑडिटर के तौर पे आप देखिए जितनी भी डोनेशन मिली है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुई है या नहीं, और अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, फॉरेन सोर्स से कोई डोनेशन आई है, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो FCRA के हिसाब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया गया है या नहीं, तीन बातें, डोनर के साथ एग्रीमेंट चेक करिए बच्चे, ठीक है ना, जो पैसा आया उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी जरूरी है, और साथ में जो पैसा फॉरेन सोर्स से आया, फॉरेन सोर्स से, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में जमा भी किया गया है या नहीं, तीन बातें। अब आते हैं फंड रेजिंग प्रोग्राम में, फंड रेजिंग में क्रिकेट मैच करा दिया, ये करा दिया, ठीक है ना, उससे पैसा आ रहा है, बोले अब इससे हम बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे, उसमें धांधली बहुत होती है सर। दो चीजें चेक करिएगा, कौन सा पर्सन है जो इंटरनल कंट्रोल देख रहा है, अब कोई भी टिकट काट रहा है, कोई भी जेब में पैसे रख रहा है, कहीं भी पैसे खर्च कर रहा है, 3 दिन तक कैश ही लेके घूम रहा है, कौन से पर्सन की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल संभालने की? जो इंटरनल कंट्रोल संभाल रहा है वो बराबर बैंक में पैसे जमा कर रहा है यानी डेली। अब मान लो क्रिकेट सीरीज करा दी, अब क्रिकेट सीरीज है भैया 10 दिन की, 15 दिन की, तो ऐसा तो नहीं है ना रोज का कैश जेब में लेके घूमेगा, तो डेली पैसा आ रहा है, डेली जमा करो, CMS कहते हैं कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, बराबर जमा करो। मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस में ध्यान रखिए, मेंबरशिप फीस तरह तरह की होती है, लाइफ टाइम फीस, एडमिशन फीस, एनुअल मेंबरशिप फीस। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन जरूरी है कि कौन सी फीस है, ठीक है, साथ में मेंबरशिप रजिस्टर चेक करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार, बहुत सिंपल। सब्सक्रिप्शन में क्या चेक करेंगे सर, सब्सक्रिप्शन रजिस्टर चेक करिए, रिकंसाइल करिए, जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लिया है रसीद बना के मेंबर को दी होगी तो रसीद की कॉपी चेक करिए, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको पता है, इंटरेस्ट डिविडेंड चेक करना है। सब्सक्रिप्शन का जो पॉइंट है ना बच्चे, दमदार, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में है, मैं बताता हुआ चल रहा हूं कि वहां से ऐसी जगहों से क्वेश्चन हिट होता है। आपको क्या लग रहा है, आप देखो ये नवंबर 20 में पिछली बार आया था, आ सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ रिसीट ऑफ इनकम ऑफ एनजीओ, आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी साल हो गया हुए, काफी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। एनजीओ की इनकम पांच पांच सोर्स हैं, कंट्रीब्यूशन ग्रांट, फंड रेजिंग प्रोग्राम, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है ना, वो चैरिटेबल में दमदार दिया हुआ है, और चैरिटेबल अगर आप देखें पिछले 5-6 टाइम में 2 बार आ चुका है चैरिटेबल। मैं ना जो जो पॉइंट थोड़ा दमदार कहीं कहीं दिया हुआ, मैंने आपसे पहले भी कहा वो मैं लेता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ, तो बढ़िया है, ऐसे कवर भी जाए कोई दिक्कत नहीं। ये चैरिटेबल है, ये सब्सक्रिप्शन देखो भाई साहब दमदार दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन क्या दिया है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सब्सक्रिप्शन है तो रसीद बुक भी होगी सब्सक्रिप्शन के लिए। आप देखिए कंट्रोल होना चाहिए रसीद बुक पे, ठीक है, कैश बुक के साथ रिकनसाइल करिए, काउंटर फॉइल चेक करिए, अगर कोई सब्सक्रिप्शन की रसीद काट, मतलब सब्सक्रिप्शन की रसीद बना दी है और बाद में काट दी गई है तो वो भी चेक करिए, कैंसिल्ड रसीद्स, लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन मांगिए,
अगर कोई मैगजीन या एनुअल रिपोर्ट बनाती है अपनी कोई चैरिटेबल संस्था की, भैया हमारी साल में एक मैगजीन आती है उसमें लिखा हुआ है जी हमें तो साल भर में 2500 सब्सक्रिप्शन मिले, उस मैगजीन में कितना बताया है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बताया, दोनों को टैली करिए। कुछ ऐसे दिन होते हैं बड़े दिन, अब जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है तो वर्ल्ड ब्लड डे, ब्लड डोनेशन डे, अब उस दिन क्या हुआ उन्होंने कैंप लगाए तो बहुत लोग आए ब्लड डोनेट करने के लिए, बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी लिए। ये फ्लैग डेज है, फ्लैग डेज में चेक करना पड़ता है पैसा आ रहा है, आप जमा कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं, इंटरनल चेक का सिस्टम है या नहीं। तो फ्लैग डेज के जो दिन मतलब उसमें मेजर कलेक्शन होता है, तो उस दिन आप थोड़ा ध्यान से चेक करिए कि ब्लड डोनेशन डे जिस दिन था उस दिन भाई साहब 250 सब्सक्रिप्शन एक दिन में हुए हैं। तो वो जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है उस दिन इतना भी पैसा आया हुआ उसे ढंग से चेक करिए। तो सब्सक्रिप्शन के केस में सबसे पहले तो जो रसीद बुक है उसे प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, कोई भी अपनी जेब में लेके नहीं घूमेगा। जो रसीद बुक होगी वो प्रॉपर पीरियड की होगी, मतलब आउटस्टैंडिंग पीरियड एडजस्ट करना अपने ऑब्वियस सी बात है। रसीद चेक करिए, रसीद को मिलाइए कैश बुक के साथ, ये पॉइंट देखो आपको हर जगह मिलेगा कि रसीद को रिकनसाइल करिए कैश बुक के साथ। कोई कैंसिल रसीद है ना तो उसको चेक करिए। सब्सक्रिप्शन की लिस्ट मांगिए, साथ में जो फ्लैग डेज हैं बड़े दिन वहां पे इंटरनल चेक का सिस्टम चेक करिए। ठीक है, एक बात और, कितना पैसा टोटल आया है और कितना पब्लिश किया गया मैगजीन या रिपोर्ट्स में उसे टैली करिए, अगर कोई फर्क है तो बात करिए। तो अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें ना तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में सब्सक्रिप्शन का पॉइंट इतना दमदार है कि 4-5 नंबर क्वेश्चन अकेले इंस्टीट्यूट यहां से पूछ सकता है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट तो बोलूंगा इसको। एडिक्वेट कंट्रोल, प्रॉपर पीरियड की होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन आपके, काउंटर फॉइल को टैली कर सकते हैं कैश बुक के साथ, कैंसिल रिसीट को ध्यान से देखिए, लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन लीजिए, इंटरनल चेक वगैरह का सिस्टम देखिए, और साथ में फ्लैग डेज के दिन कितना पैसा कैसे आ रहा है, कलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग कैसी हो रही है, सब देखना पड़ेगा फ्लैग डेज में। और जो सब्सक्रिप्शन आपको आए हैं उसे टैली करिए रिपोर्ट मैगजीन के साथ, ठीक है ना। तो अभी इस पे आते हैं वापस, एक बार पहले एनजीओ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की चर्चा हो रही थी, मैंने सब्सक्रिप्शन करा दिया आपका साथ में। तो इनकम भैया 5 जगह से आएगी, इंटरेस्ट डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, फंड रेजिंग प्रोग्राम, कंट्रीब्यूशन एंड ग्रांट। पैसा 2 जगह खर्च होगा एनजीओ का, 2 जगह। 2 जगह कहाँ कहाँ? बिजली पानी के खर्चे, एस्टेब्लिशमेंट खर्चे, बिजली पानी के, ठीक है, बेसिक खर्चे। अगर क्रिकेट मैच करा रहे हो ताकि टिकट से पैसा आएगा, वो बाढ़ पीड़ितों को सामग्री देंगे, राहत सामग्री, तो भैया क्रिकेट मैच कराने में पैसा खर्च भी तो होगा, खाना वाना होगा, टेंट वाले को बुलाओगे, ये सब दुनिया जान के रिफ्रेशमेंट होंगे, खर्चा तो होगा। क्या चेक करिए, सबसे पहले इवेंट वाले के साथ, इवेंट मैनेजमेंट के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, एग्रीमेंट चेक करिए, पेमेंट दी होगी तो TDS वगैरह काटा होगा वो देखिए, ठीक है ना। एग्रीमेंट चेक करिए सबसे पहले तो, अगर आपने खर्चा किया है तो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ होगा वो चेक करिए, अगर TDS वगैरह काटा है वो देखिए, और अगर TDS काटा है तो बराबर जमा भी किया होगा आपने तो रिटर्न वगैरह देख लो उसका। तो मेजर ना 2 ही पॉइंट ध्यान रखिए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा आपका इवेंट मैनेजमेंट वालों के साथ, ठीक है, दूसरा क्या, अगर TDS वगैरह उनको पेमेंट किए, टेंट हाउस को पेमेंट कर रहे हो, खाने वाले को जो खाना सप्लाई कर रहा है उसको पेमेंट दे रहे हो, उसका TDS वगैरह काटा होगा वो आप देख लो, उसके रिटर्न वगैरह जमा किए गए होंगे, ठीक है। तो बहुत सॉर्टेड करके चलना, एनजीओ में ना मेन जो है वो रिसीट्स है, क्वेश्चन आता ही रिसीट्स से है, एक रिसीट्स और दूसरा प्लानिंग, अभी प्लानिंग भी पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। पेमेंट के नाम पे 2 ही पॉइंट है। अब आते हैं जी एसेट, एसेट में तो दम ही नहीं है यार, 5 पॉइंट है एसेट में, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। फिक्स्ड एसेट में क्या चेक करना है यार, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया या नहीं, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टाइटल डीड वगैरह चेक कर लो, कंपनी के नाम पे, एनजीओ के नाम पे होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में क्या चेक करेंगे भैया,
इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक कर लो, फिजिकली चेक कर लो इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आपके शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब फिजिकली चेक कर लो। ये इंश्योर कर लो कि सारे इन्वेस्टमेंट्स एनजीओ के नाम पे ही हैं, एनजीओ के नाम पे ही हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेचा खरीदा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट या मतलब नया इन्वेस्टमेंट किया है, फर्दर डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो भैया ये ऑथराइज होना जरूरी है, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट है, वेरी वेरी सिंपल। मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेते हो, आपको लगता है यार ये तो बहुत ही ईजी है। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर फिजिकली चेक करो, ठीक है, एनजीओ के नाम पे होना चाहिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचा खरीदा है तो ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। कैश इन हैंड, ऑब्वियसली बात है, सारे कैश चेक कर लीजिए, कैश इन हैंड, इम्प्रेस्ड कैश, पेटी कैश, ठीक है, और टैली करिए इतना कैश आपको मिला है वो बुक्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अब बुक्स में कुछ और लिखा है, फिजिकली कुछ और निकल रहा है, अगर टैली नहीं कर रहा है तो बात करिए मैनेजमेंट से। बैंक के अंदर कह रहा है ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बीआरएस वगैरह चेक कर लो। इन्वेंट्री के केस में कह रहा है भैया फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो और वैल्यूएशन वगैरह देख लो, ठीक है। वही रिपीटेड पॉइंट आ रहे हैं हर जगह, आप देखिए। लायबिलिटी के नाम पे 5 पॉइंट है भैया इनके पास। पहला, कॉर्पस पता है क्या होता है? जो साल दर साल, साल दर साल आप प्रॉफिट इकट्ठा करना, कैपिटल तो होती नहीं है, जो साल दर साल प्रॉफिट इकट्ठा होता आता है उसे कहते हैं कॉर्पस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि डोनर सीधे कॉर्पस में कंट्रीब्यूट करता है, सीधे कॉर्पस में कंट्रीब्यूट करेगा, ले भैया 5 लाख का चेक ले। अगर कॉर्पस में कोई डोनेशन आई है तो डोनर के लेटर के साथ मिला लो उसे, हाँ चेक कर लो, टैली कर लो, ठीक है। कोई भी रिजर्व वगैरह बनाया गया है अगर, तो रिजर्व अगर अप्रूव किया है, कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है तो बोर्ड ने परमिट किया होगा, वो देखिए, ठीक है। ईयर मार्क्ड फंड का मतलब होता है वो फंड जो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है उसे कहते हैं ईयर मार्क। जैसे कंपनी में होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उड़ा, तो उड़ा का पैसा अपन कहीं भी खर्च नहीं करते, उड़ा का पैसा सिर्फ डिविडेंड पे करने के ही काम आएगा, तो वो होता है ईयर मार्क फंड, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो आप देख लीजिए, अगर ईयर मार्क फंड बनाया गया है तो डोनर की रिक्वायरमेंट क्या है, कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है और कोई रूल्स रेगुलेशन है क्या एनजीओ के, तो डोनर के रिक्वायरमेंट, बोर्ड की अप्रूवल और कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं क्या। प्रोजेक्ट बैलेंसेस मतलब मान लो आपने कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, उसके लिए पैसा रेस किया, 1 करोड़ रुपए रेस के, 70 लाख रुपए खर्च के, 30 लाख तो बची गया ना, तो 30 लाख आपकी एसेट तो नहीं है, लाइबिलिटी कह रहा है, खर्च तो करना ही पड़ेगा देर सवेर। तो आप देख लो जितना पैसा आया है, जो गया है, ठीक है, उसको टैली कर लो एक बार। और लोन वगैरह में करना क्या है, लोन एग्रीमेंट चेक कर लो, ठीक है। तो 5 आपकी लायबिलिटी हो गई, कॉर्पस, रिजर्व, ईयर मार्क फंड, प्रोजेक्ट बैलेंसेस और लोन्स। एसेट 5 है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंटरी, खर्चे के नाम पे प्रोग्राम और एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, रिसीट्स के नाम पे कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रांट, फंड रेजिंग प्रोग्राम, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शंस और इंटरेस्ट डिविडेंड, ठीक है। प्लानिंग तो यार इतनी बार पढ़ लेते हो ना, वैसे भी प्लानिंग चैप्टर में, कि यहां की प्लानिंग बचती नहीं है भाई। क्या है प्लानिंग, क्या देखोगे ऑडिट करने से पहले, एनजीओ का क्या विजन है, एनजीओ क्या काम कर रहा है, एनजीओ अगर सेक्शन 8 कंपनी तौर पर बना तो मेमोरेंडम आर्टिकल चेक कर लो, वरना ट्रस्ट डीड वगैरह होगी वो चेक कर लो, एनजीओ की मीटिंग के मिनट्स चेक कर लो, प्रीवियस ऑडिटर के जो प्रीवियस ऑडिटर है उससे बात कर लो, प्रीवियस ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो देख लो, मटेरियलिटी लेवल फिक्स कर लो, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक 5-7 चीजें हैं, और अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह देख लो, ठीक है, क्या काम कर रहा है एनजीओ, कौन सा लॉ, हाँ कौन सा लॉ एप्लीकेबल है एनजीओ के ऊपर, कंपनीज एक्ट लग रहा है, ट्रस्ट एक्ट लग रहा है, सोसाइटीज एक्ट लग रहा है, जो भी लॉ लग रहा है, जो भी, उसका नॉलेज अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा ना उसके हिसाब से। बाद में थोड़ी बोलो सोसाइटीज एक्ट नहीं पढ़ाया गया मुझे इंटरमीडिएट के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं पढ़ाया गया, मेमोरेंडम आर्टिकल चेक कर सकते हैं,
बोर्ड मीटिंग के मिनट्स वगैरह एग्जामिन कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी सिस्टम चेक कर सकते हैं, मटेरियलिटी लेवल वगैरह फिक्स कर सकते हैं, हाँ प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं, अगर वैल्यूअर है तो प्लानिंग थोड़ी अलग होगी, नहीं है तो प्लानिंग अलग होगी, इंटरनल ऑडिटर है तो प्लानिंग थोड़ी अलग होगी, नहीं है तो प्लानिंग थोड़ी अलग होगी, तो ये सब देख के आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो पांच सात बातें हैं, ठीक है, ठीक है, डन। अब क्या बचा जी, अब बची छोटी छोटी दो चीजें, सब हो गया भाई, सब कुछ हो गया भाई, सब कुछ हो गया। एक तो हो गया आपका बच्चे चैरिटेबल, चैरिटेबल कुछ बचा नहीं है सच खासा, सब्सक्रिप्शन ही मेन होता है, वो कर लिया अपन ने। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, वही कॉमन पॉइंट आ गया यार बार बार, ग्रांच, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट। एक पॉइंट यहाँ थोड़ा अनकॉमन है जो बाकी जगह नहीं मिलेगा, चैरिटेबल में जो मिलेगा आपको, इनकम टैक्स रिफंड एग्जेम्प्टेड है ना इनकम टैक्स के अंदर चैरिटेबल। तो अगर इनकम टैक्स वगैरह किसी ने काटा है, टीडीएस मान लो चैरिटेबल कोई पेमेंट करा, टीडीएस काट लिया, तो वो पैसा जो है आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स से, तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड आएगा, वो है तो रिसीट्स ना आपके लिए, तो आप चेक करिए कोई मेल वगैरह आया होगा इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और कैलकुलेशन वगैरह देख सकता है बीइंग द ऑडिटर। तो कल को अगर इनकम टैक्स रिफंड का क्वेश्चन आता है ना, मतलब पूछ सकता है अगर आपसे केस स्टडी बना के, तो दो बातें चेक करनी है, करेस्पॉन्डेंस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कैलकुलेशन ऑफ द क्लेम्स। ये हो गया आपका रिसीट्स, बाकी यार दम नहीं, मैं आपको बताऊं रेंट में क्या है, रेंट एग्रीमेंट चेक कर लो, ठीक है, टेनेंसी एग्रीमेंट देख लो, जो पैसा आया है आपके पास उधर रसीद वगैरह देख सकते हो, बाकी सब कॉमन है भाई सब। इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या देखोगे, कितना पैसा आया है डिविडेंड और इंटरेस्ट का, जो भी पैसा आपको एफडी कराई है बैंक पे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके कैलकुलेशंस देख लो। एक पॉइंट है जो सही है यहां पे, जो नंबर आपको दिला सकता है, अगर आपने सिक्योरिटी बेची बेची है एक्स डिविडेंड, तो डिविडेंड आपको ही मिलेगा, और खरीदी है कम डिविडेंड तो डिविडेंड तब भी आपको ही मिलेगा। तो ऑडिटर चेक करेगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है एक्स डिविडेंड तो आपको मिलेगा, और खरीदा है कम डिविडेंड तो आपको मिलेगा। तो डिविडेंड के इंटरेस्ट के तौर पे एक तो डिविडेंड इंटरेस्ट देख लो, कैलकुलेशंस देख लो, कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड वाला पॉइंट जरूर लिख देना आप, ये जनरली कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना। और अगर कोई डिविडेंड वगैरह नहीं मिला तो भैया पूछो, इंक्वायरी करो डिविडेंड क्यों नहीं मिला, ठीक है, दिस लाइक वेरी वेरी सिंपल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्सपेंडिचर क्या पड़ेंगे यार चैरिटेबल के अंदर, कोई भी खर्चा आपने किया है वो एज पर द ऑब्जेक्ट क्लॉज है या नहीं, ठीक है, कोई भी खर्चा ट्रस्टी डायरेक्टर को सीधे बेनिफिट नहीं करेगा, कैश और बैंक पेमेंट चेक कर लो, साथ में कोई भी पैसा जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए आया गया है वो पर्टिकुलर पर्पस में खर्च किया गया या नहीं, स्पेशल पर्पस में आपने यूटिलाइज किया या नहीं, वही कॉमन पॉइंट है, घुमा फिरा के यार वही कान पकड़ रहे हैं बार बार, ठीक है। अच्छा ये एसेट है, एसेट में क्या दिया है, कह रहा है सिक्योरिटी की लिस्ट मांग लो, इन्वेंटरी चेक कर लो, सब चेक कर लो, टाइटल डीड चेक कर लो, फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लो, कुछ मत छोड़ो, सब छाप दो एक ही पॉइंट में, क्लब मस्त एकदम। जितने पॉइंट आपने यहां वहां पढ़े हैं ना, वो सब क्लब के अंदर आते हैं घुमा फिरा के, ठीक पैसा कहां से आएगा,
सब्सक्रिप्शन से, मेंबरशिप फीस से। फीस चेक करिए मेंबरशिप की, सब्सक्रिप्शन चेक करिए सर। फीस को मिलाइए उसके काउंटर फॉइल के साथ, सब्सक्रिप्शन को मिलाइए उसके काउंटर फॉइल के साथ। सिंपल है यार भाई, मेंबरशिप फीस आएगी उसे मिलाइए उसके काउंटर फॉइल, मतलब रसीद आपने पैसा लिया होगा तो दिया होगा ना आपने रसीद, तो रसीद की कॉपी पड़ी होगी, कॉपी से मिला लो। ठीक वैसे सब्सक्रिप्शन आया होगा तो रसीद काट के दियो, रसीद की कॉपी आपके पास पड़ी है, रसीद से मिला लो। कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है उसको एडजस्ट किया गया होगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है तो आप सबसे पहले करते हो यार, नॉन प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हो। टोटलिंग चेक कर लो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। और कोई भी पैसा अगर बाकी है तो आप देखिए रिकवरी के लिए प्रॉपर स्टेप परफॉर्म किए गए हैं या नहीं। कुल मिला के 5 बातें हो गई रिसीट्स में। पहला एंट्रेंस फीस टैली विद सब्सक्रिप्शन काउंटर फॉइल, सब्सक्रिप्शन टैली विद काउंटर फॉइल, कोई पैसा बाकी है या कोई एडवांस में दिया लिया है आपने तो एडजस्टमेंट। टोटलिंग चेक करो, कोई भी पैसा अगर बाकी है तो रीजनेबल स्टेप लिए हैं यानी रिकवरी के लिए। बाकी ये आ गया आपका एसेट्स, अब यार वही पॉइंट बार बार। इन्वेंटरी को चेक करिए फिजिकली, फर्नीचर स्पोर्ट्स मटेरियल ये सब साथ में इन्वेंटरी रजिस्टर के साथ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह उसे चेक करिए आप इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके एसेट्स के, एक तो इन्वेंटरी वाला और एक इन्वेस्टमेंट्स वाला, ठीक है। अब 2 पॉइंट बचे पेमेंट के। जो भी आपने परचेज किया है स्पोर्ट्स आइटम, फर्नीचर, क्रॉकरी, उसे चेक करिए। एक बात ही जरूर ध्यान रखना, अगर क्लब में फूड आइटम बेचे जा रहे हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बेचते हैं तो क्लब थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। अब जैसे खाने पीने का आइटम बेच रहा है 150 रुपए में ये मिल रहा है, 100 रुपए में ये, बहुत कम। कुछ क्लब ऐसे होते हैं जहां बहुत ही कम प्राइस चार्ज करते हैं, बहुत ही कम। तो इतना कम भी मत करना कि जेब से डालना पड़ रहा है पैसा। थोड़ा बहुत रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। भाई कम से कम बिजली पानी स्टाफ के खर्चे तो निकलने चाहिए। अब 40 रुपए में दे रहा है नूडल, बढ़िया, इतना बड़ी प्लेट में तो नुकसान होना पक्का है। इतना भी सस्ता मत दो भाई कि नुकसान ही हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया जी आपका ये चैप्टर खत्म। अब देखो कुल मिला के ऐसा लगेगा कि वो ऑडिट अलग थी जो कल पड़ी थी, वो अलग ही तरह की ऑडिट है। ये जो आज ऑडिट पढ़ रहे हो एक तरह की ऑडिट से सारी की सारी, गवर्नमेंट अलग, कोऑपरेटिव अलग, ठीक है। तो ये हो गया जी डन। अब वेरियस एंटिटी वाला चैप्टर भी हो गया, रिवीजन में वेरियस एंटिटी भी हो गया, सही बात। दूसरा कंपनी ऑडिट हो गया, कारो हो गया, ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, 4 चैप्टर हो ही गए। और क्या हो गया यार, वेरियस एंटिटी, हाँ बैंक बाकी है, ऑटोमेटेड बाकी है, ऐसे बाकी है। अब शुरू वाले चैप्टर करेंगे, शुरू वाले मतलब नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। कल ये करेंगे नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ठीक है। अरे ऐसे थोड़े बाद में कराऊंगा मैं, कंपैरेटिवली ऐसे इतनी बार कर लिए, बार बार कर लिए कि बच्चों के दिमाग में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। पहले एक तरफ से फारिग हो जाएंगे ना, फिर ऐसे चलाएंगे अपन, क्या दिक्कत है। हाँ स्टार्टिंग स्टडी मैड का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल आपसे, जो लॉ कर रहे हैं रात को 9:30 बजे टेस्ट है MCQ, ठीक है। बॉय बॉय टेक केयर। अरे कहाँ गाना गा दूँ, मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ।
देखते हैं हितेश, प्लानिंग तो 3-4 साल की है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाएंगे, 1 घंटे में स्टैंडर्ड करेंगे। एक सेशन होगा तो उसमें दो, मतलब बड़े स्टैंडर्ड अलग है, उनकी बात अलग है, स्टैंडर्ड जो स्टार्टिंग वाले हैं उसमें 3-3 4-4 चलेंगे। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चला, बॉय बॉय।